सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड अनदर ब्लॉग, कॉलेज कह सकते हो, दूसरा ब्लॉग है। एंड गाइस, इस ब्लॉग में हम अपने कॉलेज के बायोगैस प्लांट जा रहे हैं। हाँ, बायोगैस प्लांट ही जा रहे हैं। तो एक जगह और बताया था मैम ने, वो मुझे याद नहीं है, हमड़ा शायद। हाँ, हमड़ा में जा रहे हैं बायोगैस प्लांट। तो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो वैसे ही मैं डेली साइकिल पे हूँ एंड सेम एज इट इज़ मैं प्रिंस के घर जा रहा हूँ अभी। सेम वही मेरा डेली रूटीन रहता है। तो चलो चलते हैं फिर। चार पांच बच्चों को और लिख दो भाई। अटेंडेंस होती है, फिर हम ट्रिप पे ले जाएंगे। जल्दी देखो भाई, जल्दी। बहुत ही रूल रेगुलेशन। कितने बच्चे हो गए टोटल? 24 बच्चे तो वही गए हैं। 45 जाएंगे बस। कोई भीड़ बहुत हो चुकी है बस में। उधर पहले पांच चेकिंग करने के बाद कौन से बच्चे अभी हैं या नहीं है। भाई क्या क्या लगता है, भीड़ कम होगी? भीड़ होगी, भीड़ कम होगी। आपकी भी सीट चली गई सर। अरे सर की सीट नहीं गई है। तो निकल चुके हैं गाइस बायोगैस प्लांट के लिए, विजिट के लिए। बाय गाइस, हम निकल गए हैं अभी। अब देखते हैं, एक घंटे में पहुंचेंगे वहां पे। एक डेढ़ घंटा लगेगा टोटल। डेढ़ घंटा देखते हैं बाबा बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलाएगा हमारा। तो सो गाइस, उसी स्पॉट पे हैं डायरेक्टली हम। सोलर सिस्टम जो मेरे पीछे देख रहे हैं। हाँ, सोलर पैनल ही है पूरा। तकरीबन कितने एकड़ में होगा ये? करीब 8-10 एकड़ में होगा। 8-10 एकड़ में लग तो रहा है, बहुत दूर है। मानो गाइस 3-4 किलोमीटर में पूरा सोलर लगा हुआ है। 3-4 किलोमीटर ही है यहाँ से। कितना है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमसे पूछो। उस इंसान पे जिसके हेडलाइट में बैकलाइट लगा हुआ है। आप लोग दिख रहा होगा। हाँ देखिए, हेडलाइट घूमते हुए। इसके बातों को ज्यादा ध्यान मत देना। ज्यादा बात नहीं, ये जो हमारे पैनल लगे हैं, देख रहे हो? एक हमारी पैनल की कैपेसिटी 315 वाट की। एक पैनल? हाँ। पूरा एक पैनल। एक पैनल जो है ये हमारे ऊपर सामने चार लगे हैं, सामने फर्स्ट फ्लोर में, देख रहे हो? ये हमारे चार है। एक पैनल की कैपेसिटी 315 वाट की। जो हमारे ये नीचे लगा, जैसे SCV6 लिखा है, जो है हमारा एक पैनल की कैपेसिटी 315 वाट। तो 2500 किलोवाट के लिए हमारी कितनी प्लेट यूज होंगी, उसको कैपेसिटी डिवाइड करेंगे तो नियरली अबाउट आता हमारा 8340 प्लेटें लगी यहाँ पे। उसको हमने एक कॉलम में बांट के 20-20 हमने ये कंबाइंड बॉक्स में डाली है, इसके इन्फोर्समेंट की, ठीक है? जो हमारे प्लेट कर रहे हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? और जो हमारा मॉड्यूल यूज हुआ वो हमारा है पॉलीक्रिस्टलाइन REC मीटर है 72 cells के अंदर। और सिलिकॉन का आपको पता है इसका 0.5 वोल्ट होता है, सिलिकॉन का जो चार्ज जनरेट होता है। तो हमारी एक नियरबोर्ड बनता है 37-38 वोल्ट का, एक पैनल हमारा बनता है, ठीक है? तो हम उसको क्या करते हैं, हमें वोल्टेज को कंबाइन करने के लिए हम क्या, इसको सीरीज में जोड़े हुए हैं, 20 प्लेटों को सीरीज में जोड़े हुए हैं। वो सीरीज का जो टर्मिनल्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं SCV के अंदर, ठीक है? ऐसे हमारी 19 SCV है, उसको हमने पार्टीशन किया हुआ है। उसके बाद जो हमारी ये केबल है उसको प्लस माइनस लेके फिर हम उसको कन्वर्टर में डाले, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टर, ठीक है? वो हमारे हैं 1250 के 2 इन्वर्टर हैं। उसके बाद 1250 के, हाँ, उसके पास क्या है, उसके पास हमारा क्या होता है कि हमारा उसमें ट्रांसफार्मर डालते हैं स्टेप अप करने के लिए। बाकी फिर जो एज यूजुअल नॉर्मल प्रोसेस होती है, बिजली अप हुई डाउन हुई वो फिर बनती है, उसके बाद हम इसको इंजेक्ट करते हैं ग्रिड में जी, जो कि सरकारी ग्रिड है PSPCL का, हम उसको सप्लाई करते हैं।
बटाटे लग गई भाई, बबिया जूते गोबर लग गया काला गोबर बायोगैस जाने में से पहले लग गया। अरे इसको साफ डाबर है, डाबर चमप्रास चमप्रास जी दिख रहा है। चलो मत तुम कहलाएगा क्या गंडी अच्छी बात। ओ उधर देख उधर और भैया बोल छाड़े बड़ा। ओ भैया जी चाचा जी अंकल जी कैसे हो बढ़िया। तो यहाँ से गाइस सोलर पैनल सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं? बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट चलो देखते हैं वहाँ भी कितना मजा आने वाला है। मतलब यहाँ पे तो काफी कुछ सीखने को मिला, मिला कि नहीं पानी सीखने को मिला? गाइस पता नहीं चल रहा अभी कहाँ पे लेके जा रहा है, पहले पूरा उधर से घुमा के लाया और नीलो नहर के से और उसका डायरेक्ट यहाँ पे जोधेवाल बस्ती की तरफ आ गए हैं, फिरोजपुर गांधी मार्केट। तो देखो मचाता कि नहीं है, एक घंटा और लगेगा अभी। अजी भाई ने हमें बोर कर दिया गाना सुना सुना के। सो गाइस आ चुके बायोगैस प्लांट, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बायोगैस प्लांट लग रहा है यहाँ खाने पीने को मिलेगा कुछ यार, मर जाएंगे। अरे प्लास्टिक प्लास्टिक फेंकता क्या कोई? अरे प्लास्टिक नहीं है वो, तो मिक्सर के लिए डाला हुआ है। कुछ भी कुछ भी, वो तो मिक्सर के लिए डाला हुआ है। ये क्या प्रोसेस है भाई? भाई बेवलेट है वो, इधर पैर अरे ताकि मिक्स हो। गला सूख रहा था काफी, तो मुंह धो लिया ले रहा पीने के लिए। नहीं फास्टिंग है। अरे यार तू फास्टिंग में क्यों आया? आना नहीं चाहिए भाई, अबे कहां ले पानी ले जा वहां पे। थैंक यू बोल। थैंक यू शुक्रिया। उन्होंने यही बोतल डाली है ताकि मिक्स हो जाए। खा लिया, खा रहा होगा। हां देखिएगा जी खाता रहेगा भाई, खाता रहेगा। तो गाइस कह रहे हैं यहाँ वीडियो बनाना बना है, तभी मैं बना रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, है ना भाई? रिस्क लेना चाहिए। चुपचाप यहाँ से बनाएंगे, पता भी नहीं कर रहे वो। अरे वो तो बना रहा है, तू बना चुपचाप बना। हमारी एवरेज होती है एक एनिमल से 10 केजी, एक एनिमल से 10 केजी हमारा डेली का 300 का। अगर वो उसको वॉश आउट करेंगे तो आगे वो जो बुढ़ा नाला है उसमें जाएगा, आगे वो तो सब वॉश आउट मैनेज करने के लिए। यहाँ पे और हमारी ट्रॉली हमारा होमोजीनियस मिक्सचर
आमला गिरा हुआ है, आमला कौन सा? ये धात्री भाई, अरे ये रहा ऊपर पेड़ है, ले ले भाई, चटनी बनाएंगे, ले लो, ले लो चटनी बनाएंगे घर पे जाके। डैडी किसका है? क्या पता? अरे मेरा है भाई। क्या है? सभी अंदर जा रहा है। तू जा, तू मेन ब्लॉगर है जा। खरी खरी वहाँ से। भाई बड़ा कमाई। ऊपर देखिए रेस थ्री का सलमान खान। अरे मुझे देख रहा है वो यार बार बार। पीछे से जा बना ले उधर से, उधर बना के आ जा। जितना बोलेगा मत बना, मैं उतना बनाऊंगा। कृष्णा मंदिर में कैसे हो गया था, इधर से लड़ाई होगी थी। अरे पंडित से लड़ाई होगी हमारी। वीडियो बनाता है उतने में लड़ाई नहीं करते। बच्चा वीडियो बनाता है। कौन चीज है? गोबर ग्रास प्लांट है, एनारोबिक डाइजेस्ट। अरे बहुत बड़ा चीज है ये तो, है ना? हां देखो गोबर ही दिख रहा है। सुगंध के नाम पे दो तीन पौधे लगा दिए, सुगंध चली गई है। बिल्कुल यार तू आ यार। देखिए गाइस अब चाय पीने के लिए बड़ी लंबी लाइन, टर्नओवर नहीं बताया। लेकिन जीवन में हर चीज को पाने के लिए लाइन लगनी पड़ती है, ये तो सब पता चल गया। तो गाइस सब कुछ हो गया खत्म, मतलब इधर बायोगैस भी मतलब प्लांट विजिट हो गया। उसमें मतलब कुछ जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते थे, बनाने की कोशिश कर रहा था पर नहीं बना सकते। हाँ तो गाइस कॉलेज की तरफ निकल रहे हैं दोबारा, सभी निकल रहे हैं। और उसके बाद अभी खाना भी नहीं खाया हमने, खाना भी 10-15 मिनट भिजेगा तो खा लेगा। खाना है बोल, दे देता हूँ। भाई साहब इतनी गर्मी है क्या बताऊँ आपको, ये देख रहे हो पसीने देख रहे हो। इससे अच्छा मैं कॉलेज में रहता, वहाँ पंखा तो चल रहा था कम से कम। गोबर सुन के पागल हो गए गाइस, पिंपल हो गए। ये देखो यहाँ पे चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। जाम देखो कितना दूर तक लगा भाई, निकलेंगे कैसे जाम से भाई? देखना कितना बड़ा जाम है भाई, ये जाम नहीं है, गूगल मैप पे देखना। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गए आज, क्योंकि सुबह 10:30 से निकले थे, मतलब 10:15 पे निकल चुके थे। अभी मतलब हम लोग 3:30 आए थे, तो खाना खाया, अब घर की तैयारी। तो आज काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मतलब ऐसा होना चाहिए, हम मतलब बाहर जाते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता हमें। और नई नई चीज़ें थी, सोलर प्लांट, बायोगैस, एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स भी हम लोग गए थे। तो ये सब हमने बहुत कुछ सीखा मतलब वहाँ जाके, जैसा कि आप देख रहे थे। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइज वीडियो को लाइक प्लीज़।